हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं चिकन चिली बनाने लगे हैं। ज़बरदस्त सी माय वे होगा, मतलब जैसा मैं बनाती हूँ वैसे बनाऊंगी। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए क्या होंगे चीज़ें। इसके लिए हमने चिकन ले लिया। मैंने इसको इसमें ये चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था कोई आधा घंटा पहले, ये कर लिया हमने। अच्छा, हमें कैप्सिकम चाहिए होगी, हमें एक ग्रीन चिली चाहिए होगी, हमें थोड़ा सा ये ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन चाहिए होगा, कैचअप चाहिए होगी, सोया सॉस, सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगी, कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा, ब्लैक पेपर और चिली सॉस चाहिए होगी हमें, गार्लिक चिली सॉस थोड़ी सी हम इसमें से डालेंगे। हमें काजू चाहिए होंगे, अगर आप काजू नहीं आपके पास तो आप बेशक पीनट्स डाल सकते हैं। और ये मुझे थोड़ी सी मेरी जो बनाई हुई है दो कलर की अपनी चिली सॉस में ये थोड़ी सी डालूंगी इसके साथ। हाँ जी, सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबल स्पून हम सोया सॉस ले लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम ले लेंगे सॉल्ट, ले लेंगे 1/2 टीस्पून हम सॉल्ट ले लेंगे। इसके बाद हम केचप ले लेंगे, हम केचप ले लेंगे 2 टेबल स्पून केचप ले लेंगे, 2 टेबल स्पून केचप चली गई। अच्छा जी, इसके बाद हम चिली गार्लिक सॉस ले लेंगे, ये 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में भी 1 टेबल स्पून डाली हुई है। हाँ, ये हम लोगों ने ये ले लिया। इसमें 3 टेबल स्पून हम शुगर ले लेंगे, लेवल करके डालें आप। और हम इसमें ब्लैक पेपर ले लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून कह लें, क्रश्ड हुई भी। अच्छा, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1/4 कप मैं इसमें पानी डाल के, 1/4 कप पानी डाला, इसको मैं मिक्स करके साइड पर रख लूंगी। हाँ जी, ये चिकन जो है इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाल के मैरिनेट किया था इसको। इसमें अब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं, तकरीबन हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ऐसे फैला के डाल लें और इसको मिक्स कर लें आप अच्छी तरह से। हाँ जी, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। हाँ जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो काजू हैं हम लोगों के, इनको ज़रा सा रोस्ट कर लेंगे हम पहले, क्योंकि ये रॉ काजू मैंने लिए हैं, ये भुने रोस्टेड नहीं है, तो इनको ज़रा सा मैं रोस्ट कर लूँगी। हाँ जी, देखिए ये हमारे कैश्यू नट्स जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये अब मैंने पैन दोबारा गर्म किया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के डालूँगी और जो हमने चिकन मैरिनेट करके और कॉर्नफ्लावर लगा के रखा था उसको मैं इसमें डाल दूंगी। आप फैला के डाल दें इस तरह, बस ऐसे डाल दें, ऐसे करके ये खुद ब खुद खुल जाएगा। अच्छा जी, इसकी एक साइड पकेगी तो फिर हम, क्योंकि मैं हमारे घर में कोई भी डीप फ्राई चीज़ नहीं खाता, इसलिए ये मैंने इसका तरीका देखा है कि ये सबसे बेस्ट है कि खुश होकर खाते भी हैं। आप जब जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आपने देखा होगा कि आप लोग खा के तो आ जाते हैं लेकिन आप चाइनीज़ के बाद भी हैवी फील करते हैं। आप रियली इस तरह बनाएं, आप कभी भी हैवी फील नहीं करेंगे। इसको आप थोड़ी देर रखें, फिर हम इसको पलटते हैं, ज़रा ये कुक हो जाए एक साइड, फिर हम दूसरी साइड चेंज करते हैं इसकी। जी, अब देखें ये चिकन हो गया है, मैं इसको डालने लगी हूँ सारा चिकन। आप इस तरह, अगर नॉन स्टिक पैन हो तो ज़बरदस्त है, लेकिन चाइनीज़ के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़ा हेल्दी फूड होगा ये आपका। ये देखिए, आप इस तरह सारा चिकन उल्टाएं, देखें ये हो गया। अब हम दूसरी साइड ज़रा इसको इस तरह ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। हाँ जी, ये देखें हमारा चिकन ज़बरदस्त कलरफुल हो गया हुआ, बिल्कुल पक गया हुआ है, तो फिर रेडी है। इसको मैं निकालूंगी और बाकी हम अगला प्रोसीजर इसको करते हैं। हाँ जी, मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। हाँ जी, इसमें मैं डालने लगी हूँ जो चिकन चिली के लिए हमने सॉस बना के रखी थी, हम इसको जल्द में डालते हैं और हम इसको सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट के लिए बराबर से इसको पका लेंगे हम। बस 1 मिनट के लिए पकाना है आपने इसको और फिर निकाल लें इसको बाहर। अब हमने ये पैन गरम किया है, इसमें हमने पहले सॉस निकाल ली थी, अब मैं ये उसकी वेजिटेबल हमने काटी थी ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए जरा स्टर फ्राई टाइप कर लेंगे इसमें। हाँ जी, ये देखें तकरीबन, ये देखें हल्का सा कलर चेंज हो गया इसका, जैसा चिकन हमने करके रखा हुआ था। चिकन डाल दूँगी, अब हम चिकन के साथ इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको कर लेंगे, स्टर फ्राई कर लेंगे। अब हमने इसमें जो हमने सॉस बना के रखी हुई थी हम ये डाल देंगे, बस हमें इसको तकरीबन
एक मिनट से काम नहीं अच्छी तरह, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉस को जरा सा पका लिया हुआ पहले। चिकन चिली तैयार हो गई है। अच्छा जी, इसको अब हमें गार्निश कर रहे हैं। हाँ जी, बस ठीक है। इतना सा ज़रा सा रहेगा, चावलों के साथ किसी ने थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने काजू के साथ हमने इसको गार्निश कर लिया। ठीक है, ये भी हमारा चिकन। अब हम सर्व करके मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने सर्विंग कैसे करनी है। जी, आप इसको ब्राउन राइस और वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर बनाएं, बड़ा टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें कैसी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच जी, इन्जॉय करें।